साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल शिवाच पे, फेसबुक पेज पे। तो भाइयों, आज मैं जमालपुर गांव में पहुंचा हूं नीतीश भाई के पास में। और पिछली मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी भैया जी की, इस खेत में जो है गन्ना पेड्डी में RMD चलाई थी भैया जी ने। और RMD जिस दिन चलाई थी हमने वीडियो शूट करी थी, तो भाइयों कहीं ना कहीं मेरे पे भी जोर पड़ रहा था। हाँ जी, गन्ना जो था गोड्डो गोड्डो तक इसमें गन्ना पेड्डी तैयार हो गई थी। और उससे बाद में भैया जी RMD लेकर आए थे, तो इन्होंने सोचा जब RMD में पैसे खर्च करे तो चला के जरूर देखेंगे। बाकी जोर इन पे पड़ रहा था कि इतनी बड़ी पेड्डी को काट रहे यार, नुकसान हो रहा। तो भाइयों अब की बार में हमारे जो नितेश भाई है, इन्होंने बहुत अच्छा एक अनुभव करा RMD चला के, कि RMD किसानों को, ट्रेंच वाले गन्ना किसानों को चलवानी चाहिए या नहीं चलवानी चाहिए, पौगा छोड़ना चाहिए या एक धोर से काटना चाहिए। प्रॉपर अनुभव इन्होंने अब की बार में करा है। तो अभी भैया जी से इसके बारे में जानकारी लेंगे। मैंने जो वीडियो बनाई थी चैनल पे, मेरे पे पड़ी है भाइयों। हकीकत में मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ये नुकसान कर रहे इसमें, और इनके पापा जी भी कह रहे थे कि भाई इस दूसरे खेत को काट लियो, इसे रहने दो। तो अभी मैं सबसे पहले भैया जी से मिलवा दूँ एक बार, उससे बाद में जो है पूरी इस खेत के बारे में जानकारी लेंगे भैया जी से। तो हाँ जी, क्या हाल है जी? बस बढ़िया जी, आप ठीक है? तो भैया RMD जैसा उस दिन चला रहे थे, देखो मिल की भी अरुण भैया भी आए थे, मिल वाले तो कह रहे थे कॉन्फिडेंस है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, पेड्डी बढ़िया होगी, है ना? लेकिन आपके तो मन में थी ना कहीं ना कहीं, हम पहली बार चला रहे थे। हाँ बिल्कुल, फिर हमारी पोगी मतलब ये मान के चलो आप इतनी बड़ी बड़ी होगी थी। हाँ बिल्कुल, सारा फूट आया था। हाँ जी, ठीक होगी, ब्याज कोई नहीं था। हाँ ब्याज नहीं था जी, ठीक है जी। तो ये था दोनों का जी। अच्छा, जैसा आप RMD आपने फिर चलाई जी इसमें, तो RMD से बाद में देखो गन्ने भी प्रॉपर बढ़िया वाले बने इसमें, पूछा है ना? मतलब ऐसा हुआ जी, देखो जितने गन्ने आए नीचे, हाँ जी, ब्याज जितने भी आए, हाँ जी, ये टोटल गन्ना आपका ऊपर गया। हाँ ऊपर गया, नीचे भी 7-8 गन्ने हैं। हाँ मुड़ा नहीं है, ये रहा ये। बिल्कुल बिल्कुल, ये रहा ये जुड़ा है। हाँ जी देखिए, ये पूरा है जी जी। अब आ जाओ, ये जुड़े हैं, मतलब पूरे गन्ने हैं, पूरा गन्ना है, इसमें मुड़ा नहीं है कभी। हाँ जी, नीचे से ब्याज इतना है। अब उस टाइम क्या था जी, अब ये देखो आप, यहाँ दो पोगी थी। हाँ और वही रह जाती। हाँ वही रह जाती लास्ट तक, ठीक है। गन्ना थोड़ा ये रहा, अब इसमें क्या है, 3, 3, 6, 9 गन्ने हैं, 10। हाँ जी, हाँ जी। उस टाइम दो ही पोगी थी यहाँ, दो ही पोगी थी, दो पोगी होती उसमें ब्याज नहीं आ पाता जब तक हम उसे खुदाई जुताई ना करते। जी जी जी, ये सबसे बड़ी समस्या, इसलिए RMD का बहुत ज्यादा फायदा है। अच्छा अच्छा भैया, एक चीज और बताओ आप, जैसे आपने RMD चलाई जी, खेत में अगर हमारे में पत्ती फैल रही तो RMD तो उसमें भी चल जाएगी, अगर खुड़ में आप घरों में फैला दोगे तो कहीं ना कहीं हमारे जो है खाद भी तैयार हो रही, खाद भी तैयार हो रही। अगर हम उस पत्ती को काट सकते हैं रूटर से या हैरो से, हाँ जी हाँ जी, उसे जो है हमारा जो रेटून मैनेजर है उसे पत्ती को दबा देगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसे दबा देगा जो उसके बराबर के तवे हैं जी जी जी, उस पत्ती को दबा देगा और ऊपर वाला उसे काट देगा। बिल्कुल, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी जी, पिछली बार हमने करा नहीं, लेकिन इस बार हम ऐसा करेंगे। हाँ पत्ती ना फूक के, पत्ती नहीं फूकने की जी, बिल्कुल भी। हाँ जी जी, उसे फिर रूटर से काट देंगे जी, ठीक है, और उसे रूटर से रेटून मैनेजर से हम दबा देंगे। हाँ जी, तो भैया इसमें RMD चलाने के बाद में अपनी थोड़ी सी लागत और बता दो किसान भाई को, पेड़ी बहुत। मैं लागत की बात करें जी, तो मतलब ये मान के चलो अब जब हमने ये काट दिया, उसके बाद इसमें पोगे निकले आए 15-20 दिन के बाद। हाँ जी हाँ जी, इसमें 5-6 किलो की, हाँ जी, मतलब जैसे 8 बीघे हो गया ये जी, तो इसमें DAP का 1 कट्टा पूरा, 1 कट्टा पोटास का, ठीक है जी, ठीक है जी, हाँ जी, और 1 एरिज का कैलमिन डलवा दिया था, ठीक है जी, 1 बैग, हाँ जी, तो ये डलवा दिया था जी। अच्छा जी, और लागत हम दो ही देते हैं। हाँ जी, 1 शुरू में, हाँ जी, और 1 बाद में, 1 बाद में जी, फंगस के लिए नीचे डालने के लिए लागत, मतलब शुरू की और लास्ट की है, दो ही लागत देते हैं, 1 मिट्टी चढ़ाने पे, हाँ जी, और 1 जब ये शुरू वाली, बिल्कुल शुरू वाली, बिल्कुल उससे 15 दिन बाद या 10 दिन बाद, जी जी जी, वो कभी भी हो, वो ही होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। जब इसमें मिट्टी चढ़ाई थी उससे पहले इसमें मतलब यूरिया, हाँ जी, फटेरा, हाँ जी, और आपका डाई थी 1 कट्टा, हाँ जी, ये मिलवा दिया था, उसी टाइम पोटास नहीं डाला था, ठीक है जी। तो भैया जी इसमें जैसे आपने जुताई फिर RMD से बाद में ट्रैक्टर से करी होगी, टीलर से, टीलर की 1 टैन खोल गए? नहीं नहीं, अच्छा। हमारे पास वो खतौली वालों का है, 7 टैन एक साइड है, 7 टैन एक साइड है, ठीक है जी, 14 टैन का उससे करी है। अच्छा अच्छा, और इसे मतलब बिल्कुल बहुत अच्छे से कमाया जी। तो भैया जैसे आपने इसमें, ये तो आपने लागत बता दी, स्प्रे कौन कौन से करेगी? स्प्रे तो हमने इसमें ये मान के चलिए जी, मतलब इसमें 3 या 4 स्प्रे हैं। हाँ जी हाँ जी, एक बार तो ये डेसिस की करवा दी थी शुरू में, ठीक है जी, फिर एक बार कार्टअप और इसकी रॉकेट की, ठीक है जी, फिर मार्शल और
मील वालों ने हमारे अरुण जी हैं हाँ जी, जो भ्रमण मतलब आते रहते हैं बताते हाँ रहते हैं तो हाँ उन्होंने सीओसी दिलवा दिया था। ठीक है जी। अब मिला तो लेट था इस बार मील वालों से हाँ जी, लेकिन अच्छा मिला तो फिर सीओसी लगा दिया, उससे पहले एक बार सीओसी लगाया भी था। ठीक है जी। तो ये हुआ जी हाँ जी। और बस इसके बाद ये चार स्प्रे हुई। अच्छा अच्छा। तो भाइयों ये जमालपुर जो है लावड़ जोन में पड़ता है, यहाँ हमारे अरुण जी देख रहे हैं हाँ जी क्षेत्र का, तो काफी सारे किसानों से देखो ट्रेंच पे जागरूक भी करते रहते हैं, जगह जगह पे जानकारी देते हैं जाकर। तो भैया जी अब आपने दवाई की बात कर ली, दवाई से बाद में आ गई इसके प्रबंधन की जी। जो आपने बताया खतौली वाले से आपने जुताई कर ली जी, अब के मैंने ट्रेंचर से अपने में मिट्टी चढ़ा के देखी हाँ जी। तो उसमें समस्या आवे कि वो कहीं पे मिट्टी साइड में चिपका दे कहीं पे छोड़ दे, तो कहीं पे आपने उस पर भी ध्यान करके देखा? वो इस वजह से है जैसे कि हम इससे जुताई कर रहे हैं हाँ जी हाँ जी, तो जुताई करने से टिलर हमारा कहीं को एक साइड छोड़ देता है हाँ जी, ऐसे हो जावे हाँ तिरछा हो जावे। वो दिक्कत जब आती है जी, वो दिक्कत हमारे सामने भी आई थी हाँ जी हाँ जी। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए आपको इसमें एक बार रूटर हाँ जी जरूर निकलवाना पड़ेगा, जरूर वो जो है टोटल अंदर की जो मिट्टी है बराबर तक हाँ जी हाँ जी, वो बिल्कुल मतलब जोत देगा तो फिर हमारा लेजर जो है ट्रेंचर बिल्कुल एक सार चलेगा। या फिर इसमें गहरी जुताई भी करनी पड़ेगी उससे? हाँ मतलब गहरी तो हो ही जाओगी जी हाँ। जब टीलर से तो गहरी हो जाएगी आप हाँ जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल तो टीलर से तो गहरी हो जाएगा, लेकिन गहरी जैसे हम दबाते हैं टीलर जी जी, तो टीलर थोड़ा हिल जा हाँ जी गुड्डों के हिसाब से जी। ये मतलब हमारा जो साथ साथ वाला है हाँ जी हाँ जी, वो थोड़ा हिल जावे जी वो मतलब, तो उससे क्या है जुताई जो है वो हो जावे कम। अच्छा अच्छा। तो ये है तो भाइयों देखो हमारे भैया जी ने जो है खेत पर हाँ अनुभव भी देखो सहसाजी होगा भैया हाँ जी जब पता लगा जी जी जी। तो इस पे मिट्टी भी भाइयों बड़े ट्रैक्टर द्वारा चढ़ा रखी हाँ जी ट्रेंचर से जी जी तलवारों से। बाकी का भाइयों आज की वीडियो में प्रयास करेंगे कि आरएमडी जैसे भैया जी ने 70,000 रुपए खर्च करे 75 खर्च करे तो भैया वे वसूल हो गया नहीं? हाँ नहीं बिल्कुल वसूल है हाँ जी, जी। और मैं तो यही सलाह दूंगा कि कोई भी ट्रेंच का खेत जी जी बिना आरएमडी के ना छोड़ा जाए हाँ बिल्कुल। 20 अप्रैल तक तो हर हालत में कटवाए हैं, 15 अप्रैल तक अगर किसी के खेत में पोगे अच्छे हैं तो वो बाद में ना कटवावे हाँ, वो पोगे छोड़ दे बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम किल्ले काफी निकल के आ जावे हाँ जी हाँ जी, ठीक है जो स्पष्ट है बिल्कुल बिल्कुल। हम यू कहने लगे सारे रेटून से काटो नहीं, बाद किल्ले अच्छे आ रहे हैं तो फिर वो पोगे अप्रैल माह में तो पोगे छोड़ सको, उससे पहले का सारा कटवाओ 20 अप्रैल तक बिल्कुल बिल्कुल 20 अप्रैल तक, ठीक है। तो खरपतवार देखो भाइयों बिल्कुल नहीं है खेत में क्योंकि इसमें मट्टी भी चढ़ा दी इन्होंने जुताई। अब इसमें खर्चा सुन लो जी आप हाँ जी, देखो इस पर जी जी अब ट्रेंच क्यों लेंगे हाँ जी। अब हमने बराबर में पेडी हमारी खड़ी है 28 इंची की, इसकी हमने दो बार नलाई करी। अच्छा, अच्छा। 8 बीघे पेडी है जी, 8 बीघे पेडी में 16,000 रुपए गए खरपतवार की, ठीक है घास हो गया था जी इतना इतना। अच्छा, जब हमने इसमें मिट्टी चढ़ाई तो ये पौधा यहाँ था हाँ ठीक है जी, यहाँ मेरे यहाँ आ रहा था तो हाँ इसमें था ट्रैक्टर से हमने चढ़ा दी हाँ जी। फिर इसमें हल्का मोटा ये हुआ हाँ जी खरपतवार, जो हमने कुछ नहीं करवाया मिट्टी चढ़ाने के बाद में अभी तक हाँ जी बिल्कुल, ठीक है जी। मिट्टी चढ़ाने से पहले इसमें एक हल्की सी मतलब आप ये मान के चलो 14 मजदूरों ने हाँ जी 14 नफरियों ने ये खेत नुला के बिल्कुल इकसार कर दिया। अच्छा, जो हमारे पौधे यहाँ थे यहाँ तक तो हमने टिलर से जोता हुआ था हाँ, बिल्कुल, सिर्फ इतनी दूरी थी और इसमें बनना था वो नला नहीं, वो हल्का हल्का ऐसे नला के इधर फेंक रहे हमने इसे जोत कर मिट्टी चढ़ा दी, ठीक है जी। मतलब आप ये मान गए 14 दिन 8 है 3,000 रुपए में हमारा खेत नल गया था हाँ, तो सर सबसे बड़ी बचत जो है मजदूरी की है, मजदूरी की है बिल्कुल सही बात, आगे आगे मजदूर नहीं मिलने के हाँ, खेती इम्प्लीमेंट की है बिल्कुल बिल्कुल, जिसके पास साधन है होंगे साधन होंगे वही जायज होगा जी बिल्कुल, तो खर्चा इतना आ जाएगा जी। भैया इसी खेत के साथ का आपने बताया था आपके ताऊ जी का खेत है हाँ, चाचा जी का खेत है, उन्होंने नहीं कटवाया, उनको भाई हम देखेंगे तू क्या चक्कर सा फेर रहा है हो ठीक है जी, तो उन्होंने नहीं कटवाया हाँ, अब उसकी भी हालत दिखाओगे जी हाँ बिल्कुल, वो खेत भाइयों दिखाऊंगे आपको उस खेत में और इसमें क्या अंतर है। पहले आप गन्ना देख लो जी, ये देख लो गन्ना पेटी कितनी शानदार खड़ी, पूरा का पूरा खेत ये इन्होंने आरएमडी चला रखी इसमें, और भाइयों खेत नीचे से भी साफ पड़ा बिल्कुल और गजब का रखा, थोड़ा सा आज मौसम खराब है भाइयों बारिश पड़ रही हाँ जी करवा देंगे, लेकिन ये देखो जी आप इसमें हमने जी 26 मई को मिट्टी चढ़ा दी थी, 26 मई को चढ़ाई हाँ जी 26 को या ऐसी 25 को हाँ जी हाँ जी, और जून जुलाई अगस्त 3 महीने हो गए कुछ भी नहीं किया हाँ, मिट्टी चढ़ाने के बाद जी जी। हल्का बोटो जो कनवार ये हाँ, है हाँ जी हाँ जी, ये वो है नहीं तो कुछ नहीं। तो भाइयों ये देखो और एक ये वाला खूट तो हमने खूब तोड़ा जी, इसमें दोनों टायर घुमक रहे थे। अच्छा अच्छा, अरे ये बराबर का होया जी, बराबर हो पा रहा हाँ बिल्कुल। तो भाइयों देख लो बड़े ट्रैक्टर से कोई नुकसान नहीं होता, नुकसान नहीं है कोई भी। तो भैया मैसी है ना आपके पास में? हाँ जी मैसी 241 हाँ, तो टायर भी चौड़ी है खूब हाँ जी हाँ 13 के टायर हाँ 14 के जी, तो उससे कोई नुकसान नहीं है ना, ये देख लो बीच में काफी मिल रहा है हाँ जी। तो भाइयों देख लो धोरे भी बिल्कुल बराबर हो गए हाँ, बराबर है जी
पेटी में देख लो भाई, जी जी मोटा ही देख लो, आठ और ये रे पाँच और चार नौ गन्ने हैं जी, नौ गन्ने, नौ गन्नों में वजन देख लो पूरे हैं ऊपर तक। हाँ बिल्कुल, ऐसे इसमें बिल्कुल नहीं, बढ़िया कर रखा देख लो, जी जी ये देखिए मोटाई बढ़िया ले रहा जी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, और इसी हिसाब से वजन ले रहा। हाँ वजन, हाँ वजन का इससे पता लग जा रहा है कितनी हम ताकत लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उस हिसाब से गन्ने में कोई कमी नहीं है, अच्छा है। आरएमडी कटवा के से काट के बहुत मतलब आपका पौधे की तरह चलता है, पता भी नहीं लग सकता। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बस बिल्कुल भाइयों ये दूसरा खेत वो आ गया जिसमें आरएमडी चलाने से बाद में भैया जी ने इसमें तीन चार दिन पहले आरएमडी चलाई थी। हाँ जी निकले आए थे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया कर रखा जी। तो पेड्डी तो हाँ जी यो अब ऐसा है, यो चक्कर क्या लंबाई बहुत ज्यादा ले गया। हाँ जी हाँ जी, जानदार खेत थोड़ा जी, तो अभी हमें दो जुड़े इधर के ऐसे कैंचे लगवाओगे जी। अभी जरूरत नहीं, अभी तो सीधा खड़ा, अभी नहीं, अभी कम से कम 20 दिन बाद। हाँ 20 दिन बाद लगो, लेकिन उस हिसाब से जैसे मैं दिखा रहा था आपको नीचे, आपको देखो कितने कल्ले हैं। हाँ बिल्कुल, तो ये देखो जी सब पूरे हो लिए, कुछ पेड्डी तो जानदार कर रखी जी तुमने आरएमडी चला के।